राजकुमार फिलिप द्वारा राजकुमारी ओरोरा को मैलिफिसेंट के 100 साल की नींद से जगाने के बाद वे अंत में अपनी छोटी बेटी एरिया के साथ खुशी से रहने लगे। जहां तक मैलिफिसेंट का सवाल है, उसे परी गॉड मदर्स ने जंगल में कैद कर दिया और उसका सारा जादू छीन लिया। मैलिफिसेंट, अब से तुम एक सामान्य व्यक्ति होगी और मुझे उम्मीद है कि तुमने जो किया है उसके लिए तुम पश्चाताप करोगी। कितनी बुरी बात है, उन्होंने मेरी सारी शक्ति लेने की हिम्मत करी है। सौभाग्य से मैंने इस काले गुलाब में अपनी आखिरी शक्ति को डाल दिया है, मेरे छोटे बच्चे में। हालांकि मैलिफिसेंट की इच्छाओं के विपरीत मैक्स बड़ा होकर एक बहुत ही दयालु व्यक्ति बन गया, जो हमेशा चुपचाप लोगों की मदद करता था। ओह नहीं, मैं खो गया हूँ। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मुझे उसकी मदद करनी होगी। अरे इन कागज के फूलों का पीछा करो, ये तुम्हें जंगल से बाहर पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काला जादू सीखना पसंद नहीं, मैं सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बेवकूफ बच्चे, तुम उनकी मदद करने की कितनी भी कोशिश कर लो, अगर वे जान गए कि तुम मेरे बेटे हो तो वे तुमसे बचेंगे। लेकिन मैं अब तुम्हारी और सफाई नहीं सुनना चाहती हूँ। ये सच है कि अगर लोग मेरी पहचान और इस डरावने रूप को जान जाएंगे तो वो मुझसे डरेंगे और बचेंगे। मेरी मदद करो। दूर हो जाओ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, मैं तुम्हारी पट्टी बांधने में मदद करती हूँ। धन्यवाद, तुम बहुत दयालु हो। आर्या, आप कहाँ हैं? वे मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे वापस जाना है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, उम्मीद है कि हमें फिर से मिलने का मौका मिले। काश मुझे उसे फिर से देखने का मौका मिलता। आखिरकार तुम वापस आ गए। मैंने अभी तुम्हारे सिर पर इन दानव सिंह को छिपाने का उपाय बनाया है। यहाँ आओ। मेरे सिंह चले गए। अब ओरोरा की बेटी की खुशी को नष्ट करने की योजना को जल्दी से पूरा करते हैं। इस थैले में तुम्हारे लिए कुछ जादुई औषधियाँ है। साथ ही यदि तुम सिंह के जादू का उपयोग करना चाहते हो तो इस सेब को खा लेना। आईने के संपर्क में रहना याद रखे। मैं यदि तुमने योजना पूरी नहीं करी तो यहाँ वापस मत आना। माँ मुझे अपनी पूरी बात खत्म करने नहीं देती और हमेशा अरोरा से बदला लेने के बारे में ही सोचती हैं, लेकिन मैं अपनी माँ को निराश नहीं कर सकता। फिर भी मुझे अरोरा के महल में जाना ही होगा। हालांकि वो मैलेफिसेंट का बेटा था, मैक्स को परी गॉड मदर के जादू से जंगल में कैद नहीं किया गया था, तो वो आसानी से निकल गया और महल में चला गया ओरोरा की बेटी का अंगरक्षक बनकर। हालांकि मैक्स को उम्मीद नहीं थी कि ओरोरा की बेटी वो लड़की होगी जिसे उसने एक दिन पहले बचाया था। ये मैक्स है, आपका अंगरक्षक। ये आपको खतरे से बचाने के लिए होगा। क्या ये इसलिए नहीं है कि तुम कायर हो? भेड़ियों से मेरी रक्षा करने में असमर्थ थे, इसलिए मेरे माता पिता को और अंगरक्षकों को भर्ती करने की आवश्यकता है। आप ठीक है, हम इस बारे में अब और बात नहीं करेंगे। मुझे बात करने के लिए राजा और रानी से मिलना है।
माफ करना, मैंने आपको राजकुमारी के रूप में पहचाना नहीं, रानी अरोरा की बेटी और मार्किस रोमन की मंगेतर के रूप में। मैं रोमन की मंगेतर नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि आप और रोमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो केवल मेरे माता पिता के सामने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है। दरअसल वो सिर्फ एक कायर है जो खतरे को देखकर भाग जाता है, इसलिए मैं असल में उसे शादी नहीं करना चाहती। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं अपनी माँ को उल्टा बोलने वाली औषधि का उपयोग करूँगा। बाहर से मैंने अपनी माँ की दी गई योजना को पूरा कर लूँगा, लेकिन अंदर से मैं आर्या को उसकी इच्छा पूरी करने में मदद करूँगा। मुझसे कुछ भी पूछने की कोशिश करो। मैक्स, क्या तुमने मेरी जान बचाई थी? बेशक, मैं नहीं हूँ। अब तुम मुझसे पूछो। क्या आप रोमन से प्यार करती हैं? मैं कभी नहीं करूँगी। मैं रोमन से बहुत प्यार करती हूँ। वाह, ये चीज तो कमाल की है। पिताजी और माँ, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। शुक्रिया। माँ, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं रोमन से शादी नहीं करना चाहती हूँ। आर्या, मैंने आपसे शादी करने का वादा किया था। हाँ, मैं आपकी शादी रोमन से कभी नहीं कराऊंगा। तो आप इस शादी को रद्द कर देंगे, है ना? महाराज, आप नहीं चाहते आर्या मुझसे शादी करे? मेरा मतलब है, मैं नहीं, इस शादी को रद्द किया जाए। फिलिप, मैं नहीं, मैं आपके निर्णय से सहमत हूँ। धन्यवाद पिताजी और माँ, अब मैं वापस अपने कमरे में जाऊंगी। रुको, ठीक है, आप जा सकती हैं। तुम्हारी औषधि के लिए धन्यवाद। अंत में मेरे माता पिता ने मेरी और रोमन की शादी रद्द कर दी। तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए, क्या तुम कल मेरे साथ घूमने और राज्य की यात्रा करना चाहोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। एरिया ने महसूस किया कि मैक्स गुलाब के बगीचे से आसानी से आकर्षित हो गया था और अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। एरिया धीरे धीरे मैक्स के लिए भावनाएं महसूस करने लगी। कुछ समय बाद वे और भी करीब हो गए। मैक्स ने एरिया को देने के लिए हाथ से कागज का एक सुंदर गुलाब भी बनाया। मैक्स, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने अपने माता पिता को भी मना लिया और अंत में वे मान गए। मैं सच में चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। क्योंकि मैक्स अपने प्रेमी से कोई रहस्य नहीं रखना चाहता था, उसने एरिया को बताया कि वो मैलेफिसेंट का बेटा है, यहाँ एरिया की खुशी को नष्ट करने की योजना के साथ आया था। और ये साबित करने के लिए कि उसने जो कहा है वो सच था, मैक्स अपने कमरे में वापस आया, जादुई सेब निकाला, उसे खाया और अपने असली रूप में बदल गया। यही सच है, मैं आपके प्यार के लायक नहीं होने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे दुख है कि तुमने इसे मुझसे छुपाया, लेकिन भले ही तुम मैलेफिसेंट के बेटे हो, फिर भी तुम एक दयालु व्यक्ति हो जिससे मैं प्यार करती हूँ, इसलिए तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। शुक्रिया। मैक्स, मैंने सुना है कि लोग राजकुमारी एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने मार्किस के साथ अपनी शादी रद्द कर दी। क्या तुम उसकी शादी को बर्बाद करने में सफल रहे? तुम मुझसे संपर्क क्यों नहीं करते? माँ, मैंने किया है, लेकिन ये आर्या की मदद करने के लिए था। तुम ऑरोरा की बेटी, हमारे दुश्मन की मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे आर्या से प्यार हो गया है, इस बार मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता।
यहाँ वापस आओ, मैं तुम्हें कभी भी उससे प्यार नहीं करने दूंगी। मुझे माफ करें। मैक्स, मुझे तुम्हारी माँ को दुखी करने के लिए माफ कर दो। जंगल में बंद करने के लिए तुम्हारी माँ अब भी मेरे परिवार से नफरत करती है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी माँ हमारे प्यार को देख सके और नफरत को जाने दे। इस शादी को रोक दीजिए, ये मैलेफिसेंट का बेटा है। रोमन ने आगे बढ़कर सभी को उस दिन हुई मैक्स और एरिया की बातचीत के बारे में बताया। ठीक है, लेकिन तो तुम आर्या से शादी करने के लायक नहीं हो। कृपया मैक्स को स्वीकार कर ले। हम भी मैक्स को अच्छे आदमी के रूप में देखते हैं। हम मैलेफिसेंट की गलती के लिए मैक्स को दोष नहीं दे सकते। ए, मुझे जाने दो। शांत रहो। उसके बाद रोमन ने मैक्स के कमरे से चुराई गई जादुई सेब को बाहर निकाला और खा लिया, फिर एक राक्षस में बदल गया। राजकुमारी को बचाओ। अच्छा, तो ये सब इसलिए क्योंकि आपने मुझे पहले आर्या से शादी नहीं करने दी, इसीलिए अब मैं आपको दंडित करूंगा। नहीं। आह, अब मुझे चोट लग गई है। जल्दी से रोमन को गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। मैक्स, तुम गंभीर रूप से घायल हो गए हो। जब तक आप और आपके माता पिता सुरक्षित हैं, मैं संतुष्ट हूँ। एरिया के आंसू मैक्स और गुलाब पर गिरे। मैक्स को ढकते हुए अचानक एक प्रकाश दिखाई दिया और एरिया के सच्चे प्यार की शक्ति के कारण मैक्स बच गया था। मैक्स के बलिदान और उनके प्यार को देखते हुए राजा और रानी आखिरकार उनकी शादी करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि बंद किए गए जंगल के उस पार मैलेफिसेंट अभी भी अपनी वापसी की योजना बना रही थी।